सावन का महीना शुरू होते ही बिहार के विभिन्न शहरों के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कुछ शहरों के लिए तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने अगले 1 से 3 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश के साथ ही गरज और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, नवादा, लखीसराय, बांका और शेखपुरा में मौसम में हलचल देखने को मिल सकती है। इन जिलों में अगले 3 घंटों में बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा और मुंगेर जिले में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ ही बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून की एक ट्रफ लाइन जैसलमेर, अजमेर, गुना, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। साथ ही अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवा बंगाल की खाड़ी के रास्ते बिहार के तराई जिले की ओर आ गई है, जिससे मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश और आंधी के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। IMD ने खास तौर पर खेतों में काम कर रहे किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम साफ होने तक इंतजार करें और फिलहाल खेतों में जाने से बचें। अगर आप खुली जगह पर हैं, तो तुरंत पक्के मकान में शरण लें, साथ ही ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। तो ये मौसम विभाग की चेतावनी आगामी मौसम को लेकर है, चूंकि इससे पहले कुछ समय में देखा गया था कि बिहार में मॉनसून कहीं ना कहीं नाराज चल रहा था और सावन की शुरुआत होते साथ ही एक बार फिर से बिहार में जोरदार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इस जोरदार बारिश के अलर्ट के साथ ही येलो अलर्ट और लोगों को सावधानी बरतने की कुछ सलाह भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है। वज्रपात के दौरान अक्सर इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।